बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ओप्पो A5 2020 के फ़ोन में अपने फ़ोन को बैकअप एंड रीसेट कर सकते हो। सबसे पहले मेरे एक बात समझिए, बैकअप एंड रीसेट करना है, बैकअप एंड रीस्टार्ट नहीं करना है। रीस्टार्ट का मतलब होता है फ़ोन को अपना ऑफ करके ऑन करना, बट रीसेट का मतलब होता है आपका फ़ोन से जितना भी डाटा, मैसेज, ऑडियो, वीडियो, जितना भी तरह का डाटा आपने, जितना भी तरह का एप्लीकेशन आपने रखी है, वो सब सब इरेज हो जाएगा और आपको एक न्यू फ़ोन की तरह वो मिलेगा। तो ये सब कैसे करना, चलिए आज वीडियो में सीखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन, स्पेशली ओप्पो के रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात की जाए, जब भी आपका फ़ोन हैंग होता है या फिर सही से काम नहीं करता है या फिर स्लो चलता है, तो आप अक्सर क्या करते हो, अपने फ़ोन को रीसेट करते हो। रीसेट करने के बाद आप जो है अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखते हो कि वहाँ पर आपका जितने भी डाटा है, अगर आपने बैकअप करके रखा है उसे, तो वो सब बैकअप करने के बाद आपका जितने भी डाटा है वो सब वापस आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है कैसे बैकअप करें, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा या फिर मेरा बेल आइकन में आपको मिल जाएगा। तो वो सब बैकअप करने के बाद वो फिर से रिस्टोर हो जाता है। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को बैकअप करना आता है, बट बहुत लोगों को रीसेट करना नहीं आता है ओप्पो A5 2020 फ़ोन में। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपको फ़ोन को रीसेट करना हो, सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। फ़ोन के सेटिंग में चले जाने के बाद आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ बैकअप एंड रीसेट, ठीक है, देख सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ बैकअप एंड रीसेट में क्लिक किया, यहाँ फ्रंट में फर्स्ट में ऑप्शन आया बैकअप एंड रिस्टोर। जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आप बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हो, नी बैकअप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे चले जाना है इरेज ओल्ड डाटा फैक्ट्री रीसेट, मतलब ये अगर आप कर देते हो तो आपका फ़ोन है पूरा फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाएगा, मतलब कि आपका फ़ोन है ना हैंग करेगा ना, मतलब कि जो हैंगिंग का अगर प्रॉब्लम होगा, कुछ भी टाइप का अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम होगा, तो वो सब दूर हो जाएगा, बिल्कुल नया फ़ोन आपका जैसे मोबाइल से शॉप से लिए हो वैसी सेम टू सेम रहेगा। बट वहाँ पर डाटा नहीं रहेगा, कोई भी मैसेज नहीं रहेगा, वीडियो नहीं रहेगा, ऑडियो नहीं रहेगा, फ़ोटो नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर ये सब चाहिए तो आप ये दोनों ऑप्शन को ऑन करके आप इरेज ऑल डाटा में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ऑनली इरेज डाटा एप्स एंड देयर डाटा इरेज ऑल डाटा इरेज कंटेंट एंड कॉल लॉग्स। आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो क्या क्या आपको इरेज करना है। अगर आप चाहते हो कि इरेज ऑल डाटा, मतलब कि सारा डाटा को आप इरेज करना चाहते हो, तो यहां पर सिंपली सबको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। जैसे ही आप कीजिएगा, आपका फ़ोन रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद आपका फ़ोन जो है रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आप यहां पर, अगर आपने पैटर्न लगाया है तो आपका यहां पैटर्न बोला जाएगा, पैटर्न डालने के लिए पैटर्न डालिएगा, तो आपका फ़ोन है वो बहुत अच्छे तरीके से रीस्टार्ट हो जाएगा पूरे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही करके आप अपने ओप्पो A520 के फ़ोन में रीसेट कर सकते हो, फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खास, कुछ और यूनिक को लेकर। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर आपको ऐसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।